मंडी, शिमला और कुल्लू जिला में बादल फटने के कारण भारी तबाही हुई है। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल सुबह से प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और मंडी, शिमला और कुल्लू में बादल फटने की घटनाएं पेश आई है। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना में करीबन 50 लोगों के अभी तक लापता होने की सूचना प्राप्त हुई है और 2 शवों को बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में NDRF, SDRF और उपायुक्त एवं SDM सहित पुलिस विभाग घटनास्थल पर है और सभी प्रकार के जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। वहीं सेना से भी मदद मांगी गई है। उन्होंने कहा कि अगले 36 घंटों में और बारिश होने की आशंका है। उन्होंने आम जनमानस से आग्रह किया कि स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर नदी नालों से दूर रहें। कल सुबह से प्रदेश में अत्यधिक बारिश हो रही थी और आज सुबह 4:40 के करीब क्लाउड बस्ट हुए। मंडी जिला में क्लाउड बस्ट हुआ, शिमला जिला में क्लाउड बस्ट हुआ, कुल्लू जिला में क्लाउड बस्ट हुआ। 4:40 सुबह के वक्त हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहां क्लाउड बस्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उसके कारण उससे काफ़ी क्षति प्रदेश को हुई। अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग है और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। निश्चित रूप से NDRF की टीम, SDRF की टीम और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे SDM सब घटनास्थल पर है, पुलिस विभाग घटनास्थल पर है। सुबह से हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर तकरीबन 7 बजे से लगातार मेरे संपर्क में है। अभी हमारी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई है, सभी प्रकार के प्रबंध हमने करने के निर्देश सुबह रेवेन्यू मिनिस्टर के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए थे। सेना से भी मदद मांगी गई है और काफ़ी नुकसान प्रदेश को अभी हुआ है और अभी अगले 36 घंटे में यह और अधिक बारिश होने की संभावना है। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी जो हमारी लोग हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो नदी नालों के किनारे नहीं जाएं और जहां भी नदी नालों में क्रॉस करने की कोशिश ना की जाए, अभी अपने सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। इस दृष्टि से हमने सारे जगह डिप्टी कमिश्नरों को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके अलावा जो भी हमारी एयरफोर्स की जो सेना है उसको हमने तैयार रहने के लिए कहा है, एयरफोर्स को भी तैयार होने रहने के लिए कहा है और अभी अधिकारियों की बैठक में सभी अधिकारी चीफ सेक्रेटरी जी के नेतृत्व में बैठकर इसका जायजा ले रहे हैं। मैं और रेवेन्यू मिनिस्टर साइट पर विजिट करने के लिए जैसे ही मौसम खुलता है हम इसमें साइट पर मैं खुद भी जा रहा हूँ।